नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं कि सऊदी अरब को दुनिया के अंदर इस्लाम की राजधानी के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सऊदी अरब बहुत ही मायने रखता है। मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाला मक्का मदीना भी सऊदी अरब के अंदर ही है। यही कारण है कि दुनिया भर का मुसलमान सऊदी अरब की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनता है, और साथ ही साथ सऊदी अरब से कही गई दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक फरमान मानी जाती है, जिसे दुनिया भर का मुस्लिम आंख बंद करके फॉलो करता है। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि वर्तमान समय में बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार की हिंसा हो रही है, वहां से हिंदू लोग डर करके भारत भाग रहे हैं। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि सऊदी अरब, जो कि एक कट्टर मुस्लिम देश के तौर पर दुनिया में जाना जाता है, उसी देश के अंदर से मुस्लिम लोग सऊदी अरब को छोड़ करके जा रहे हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि सऊदी अरब, जो कि एक कट्टर मुस्लिम देश के तौर पर दुनिया भर में जाना जाता है, उसी देश के अंदर से मुस्लिम लोगों को देश छोड़ करके जाना पड़ रहा है। दोस्तों, अगर इसका कारण जाना जाए तो इसका कारण सऊदी के लोग वहां के प्रिंस सलमान को मान रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में सऊदी अरब के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे कि उनके सलमान आखिरकार क्या करना चाहते हैं और उनके राजा सऊदी अरब को किस और लेकर के जाना चाहते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर सलमान प्रिंस जो चाहते हैं वो करते हैं, और उनके फैसले के विरोध में ना ही तो कोई प्रदर्शन कर सकता है और ना ही कोई कुछ बोल सकता है, क्योंकि जो भी ऐसा करने की कोशिश या हिम्मत करता है, उसे उठा करके सीधा सलमान प्रिंस जेल के अंदर डाल देते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर बहुत सी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिसे पूरे तौर पर गैर इस्लामिक माना जाता है, और सऊदी के प्रिंस को लोग वैसे भी एक्स मुस्लिम या काफिर कह करके पुकारते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि सऊदी के अंदर किसी की भी हिम्मत सलमान प्रिंस के खिलाफ बोलने की नहीं है, लेकिन दबे शब्दों में आजकल सऊदी अरब के प्रिंस की मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा आलोचना कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि सऊदी के सलमान प्रिंस इस बात को चाहते हैं कि उनका देश यूएई से आगे निकले, क्योंकि आज के समय में दुनिया भर के टूरिस्ट दुबई घूमने जाते हैं, क्योंकि दुबई ने अपने देश को पूरी तरह से टूरिज्म के रूप में विकसित कर दिया है। दुबई के अंदर इतनी कट्टरता नहीं है जितना कि सऊदी अरब के अंदर है, और सलमान प्रिंस इस चीज को जानते हैं कि सऊदी के मुस्लिम में जो कट्टरता है वो कहीं ना कहीं मक्का मदीना और इस्लामिक टैग के कारण है। यही कारण है कि सलमान प्रिंस ने अपने देश के अंदर से लगभग 90% पुरानी इस्लामिक कट्टरता वाली चीजों को उखाड़ करके फेंक दिया है और उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया है। दोस्तों, सऊदी के अंदर जो पुरानी इस्लामिक इमारतें थी उन्हें तोड़ करके या तो वहां पर टॉयलेट्स बना दिए गए हैं, या फिर वहां पर कुछ ऐसी चीजें बनाई गई हैं जिससे इस्लाम का दूर दूर तक लेना नहीं है। दोस्तों, सऊदी अरब के प्रिंस इस बात को चाहते हैं कि दुनिया भर के टूरिस्ट सऊदी अरब के अंदर आए, लेकिन कहीं ना कहीं सऊदी अरब पर इस्लामिक टैग होने के कारण उनके देश में वो चीजें नहीं हो पा रही थी जिन्हें वो लागू करना चाहते थे। लेकिन अब सऊदी के प्रिंस ने इस बात को पूरी तरह से ठान लिया है कि वो अपने देश को यूएई से कई गुना आगे लेकर के जाएंगे। यही कारण है कि सऊदी अरब के प्रिंस अब अपने देश के अंदर से धीरे धीरे कट्टरता को खत्म करते जा रहे हैं, और साथ ही साथ सऊदी में रहने वाले मुस्लिम लोगों को भी कहीं ना कहीं कट्टरतावाद से दूर ले जाने के लिए अपने देश में गैर इस्लामिक फैसलों को ले रहे हैं। सऊदी के प्रिंस ने अपने देश के अंदर बहुत सी ऐसी चीजों की अनुमति दी है जो कि पूरी तरह से गैर इस्लामिक है। सऊदी के प्रिंस अपने देश के अंदर एक ऐसी सिटी बना रहे हैं जो कि पूरी तरह से गैर इस्लामिक होगी, और इस सिटी के अंदर कोई भी व्यक्ति शराब पी सकता है, नाच सकता है, और साथ ही साथ उन सारी चीजों को कर सकता है जो कि यूरोपीय देशों में की जाती है। एक्चुअली में सऊदी के प्रिंस सलमान इन सब चीजों को अपने देश में इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो इस चीज को देख रहे हैं कि उनका पड़ोसी देश यूएई आज टूरिज्म के मामले में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है। दुनिया का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दुबई जाना चाहता है, क्योंकि दुबई में इस्लामिक टैग बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर व्यक्ति
कि वो सारी चीज़ें कर सकता है जो कि यूरोपीय देशों में की जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी लाइफ में दुबई जाना एक सपने की तरह मानने लगे हैं। यही कारण है कि सलमान प्रिंस भी अब अपने देश के अंदर उन सारी चीज़ों को लागू करना चाहते हैं जो कि दुबई के अंदर हो रही है, या यूँ कहे कि सलमान प्रिंस दुबई से भी एक कदम आगे बढ़ के अपने देश को इतना मॉडर्न करना चाहते हैं कि देश के अंदर से इस्लामिक कट्टरता का टैग पूरी तरह से खत्म हो जाए, और साथ ही साथ दुनिया का कोई भी देश इस बात को ना कहे कि सऊदी अरब एक कट्टर मुस्लिम कंट्री है जहां पर लोग ना ही तो घूमने जा सकते हैं और ना ही अपनी आज़ादी के साथ कुछ कर सकते हैं। यही कारण है कि सऊदी के प्रिंस अपने देश के अंदर तमाम उन चीज़ों को कर रहे हैं जिनसे उनके देश के अंदर टूरिज़्म बढ़े और साथ ही साथ उनके देश का विकास हो। दोस्तों, आप लोगों का सऊदी अरब के प्रिंस के इस फैसले के बारे में क्या सोचना है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।